जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव। मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चले दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया, साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिनको टारगेट किया गया, दे आर मेंबर्स ऑफ और एक्स मेंबर्स ऑफ लश्कर ए तैयबा या हिजबुल मुजाहिदीन। सुंजवान आर्मी कैंप हमले में जो आदमी उनके ऊपर हमले का मास्टरमाइंड था, उसका नाम था ब्रिगेडियर आमिर हमजा, उसको अननोन गनमैन ने मार गिराया। ये पता चला है जी कि टारगेट किलिंग का ये वाकया है और मक्तूल के सर में दो गोलियां मारी गईं, जबकि वो कह रहे हैं कि हम इस हवाले से मजीद तहकीकात। अच्छा, क्योंकि वो कश्मीर के अंदर दे वर द मेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एज डेजिग्नेटेड बाय इंडिया, तो उनके उनके ऊपर यहां जो किलिंग्स हुई हैं दे वर टारगेटेड बाय फॉर दोस रीजंस। टारगेट किलिंग में पुलिस ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के मुलव्वस होने का दावा किया है। लीला इंटरचेंज झेलम में एक जगह आती है जहां पर चार मोटरसाइकिलिस्ट ने उन्होंने इनके ऊपर फायरिंग की। पॉलिसी बनी थी दोवल साहब की कि ये इस किस्म की अग्रेसिव डिफेंस करनी है। आपको पता है दुबई ने पाकिस्तान के वीजे बंद कर दिए, पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट कर दिया। ऐसे ही है। कभी आपने सुना है किसी मुल्क ने इंडियंस के वीजे बंद किए हो? आपको पता है 2008 से ऑनवर्ड्स कुवैत एक मुस्लिम स्टेट है, उसने पाकिस्तानियों के वीजे बंद किए हुए हैं। ठीक है, इंडियंस के किए उसने नहीं। कई लोग जो है सब हैरान हो रहे थे इससे पहले कि आखिर ये कौन है जो आता है और मार के निकल जाता है, और वो सब लोग वही थे जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे उन्होंने टेरर किया था, लोगों की जाने ली थी और उसके बाद वांटेड लिस्ट में भी थे। मुस्लिम कंट्रीज जो हैं वो एक मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान की वीजे बंद कर रही है, यहाँ से आप अपने पासपोर्ट की वर्थ देखो। आतंकवादियों से कोऑर्डिनेट करने का काम कि हमला कब होगा, कैसे होगा, कहाँ से होगा, उसके लिए फाइनेंसेस कहाँ से रहेंगे, डीएचए के फाइनेंसेस, ये कोऑर्डिनेशन इन्होंने, क्योंकि ये लाहौर जो है ये हाफिज सईद यानी कि लश्कर ए तैयबा का हेडक्वार्टर भी है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तानी सेना के रिटायर ब्रिगेडियर आमिर हमजा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के जेलम क्षेत्र में लीला इंटरचेंज पर हुई। रिपोर्ट्स के अनुसार अज्ञात बंदूकधारियों ने उन पर हमला किया और उन्हें गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तानी सेना का रिटायर ब्रिगेडियर आमिर हमजा सुजवा आर्मी कैंप पर हुए आतंकी हमले का एक मास्टरमाइंड था। हमजा अपनी पत्नी और बेटे के साथ यात्रा कर रहा था। हमलावरों ने हमजा की कार पर गोलीबारी की। उन्होंने कार रोकने या लूटने की कोशिश नहीं की। इसके चलते माना जा रहा है कि हमलावरों का लक्ष्य सिर्फ हत्या करना था। ये एक टारगेट किलिंग थी। पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में आतंकवाद से संबंधित धाराओं को शामिल नहीं किया गया। पुलिस के हवाले से कहा गया है कि ब्लाइंड मर्डर केस मानकर इस मामले की जांच की जा रही है। इन पर आरोप है कि वह जम्मू और कश्मीर के सुजवा आर्मी कैंप पर 2018 में हुए आतंकी हमले के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक थे। सुजवान आर्मी कैंप हमले में जिनको वीर गति मिली थी, ये छह किल इन एक्शन, छह जवान थे, छह आर्मी के लोग थे, साथ में कई डजन कई लोग इसमें घायल भी हुए थे। क्यों आज उनको शांति मिली होगी? इसलिए मिली होगी कि उनके ऊपर जो आदमी उनके ऊपर हमले का मास्टरमाइंड था, उसका नाम था ब्रिगेडियर आमिर हमजा, उसको अननोन गनमैन ने मार गिराया। अननोन गनमैन ने मार गिराया मतलब ये अननोन गनमैन कौन थे? पाकिस्तानी आर्मी ये मान रही है कि ये आतंकी हमला नहीं था, मतलब वो मारे गए ब्रिगेडियर हमजा आमिर, ब्रिगेडियर आमिर हमजा उस समय जिस समय वो कार ड्राइव कर रहे थे, ये झेलम एरिया की बात है पाकिस्तान के, वो कार ड्राइव करके जा रहे थे और उनके ऊपर ताबड़तोड़ चार लोग आए, दो मोटरसाइकिल्स पे, और उन्होंने चार मोटरसाइकिल्स पे लोग आए और आके गोलियां चलाई उनके ऊपर, जिसमें हामिर हमजा मारे गए, उनकी बेटी और बीवी पत्नी दोनों घायल हैं। मैं किसी की भी हत्या के फेवर में नहीं हूं, मैं किसी भी तरीके के खून खराबे या वायलेंस के फेवर में नहीं हूं। खबर है इसलिए बताई जा रही है और चौक पे ये खबर आई है। पाकिस्तान की आर्मी का ऑफिसर क्या कर रहा है मुझे नहीं मतलब उससे, लेकिन क्योंकि ये हमले में शामिल थे, इनकी मेरे पास पूरी हिस्ट्री है, मैं आपको बताऊंगा। साथ में अभी एक खबर ट्विटर पे भी ट्रेंड कर रही है, मैं आपको बताता हूँ कि क्या सिचुएशन। ये लीला इंटरचेंज झेलम में एक जगह आती है जहां पर चार मोटरसाइकिलिस्ट थे, उन्होंने इनके ऊपर फायरिंग की, इनकी बेटी और पत्नी दोनों के दोनों इंजर हुई, ये उधर ही घायल हो गए थे, हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहां डेड निकल गया। पुलिस ने बोला ये ब्लाइंड मर्डर केस है, हम एफआईआर में कोई आतंकी घटना का इसमें नाम नहीं लिया जा रहा, तो मतलब कहीं ना कहीं पर्सनल एनिमिटी होगी। हालांकि फैमिली वाले बोल रहे हैं कोई पर्सनल एनिमिटी नहीं थी, लेकिन इनकी पर्सनल जो
इनका बायोडाटा वो मेरे पास है। ये 2017 से 2020 तक लाहौर में डीएचए में रहे थे, डिस्ट्रिक्ट डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में। डीएचए वही है जो कि मकान बनाती है, मतलब जैसे बोल सकते हैं कि आर्मी की बिल्डर्स, आर्मी के बिल्डर्स हैं वो, आर्मी में मकान बनाते हैं और आर्मी बेचती है और उससे जो कमाई आती है वो सारे के सारे पुलिस वाले मिलके, आर्मी वाले मिलके खा जाते हैं। ये 2 साल 8 महीने इस डीएचए में रहे, डीएचए लाहौर। अच्छा, ये डीएचए लाहौर की पोस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इस पर वापस आऊंगा, आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बाकी बायोडाटा बता दूं। तो इस डीएचए लाहौर की पोस्टिंग को भूलिएगा मत, 2017 से 2020 की थी। और हमारा हमला कब का था, हमारे ऊपर जो हमला हुआ था वो अप्रैल 2018 में हुआ था। तो ये डीएचए लाहौर की जो पोस्टिंग है इसी से इनका इंडिया कनेक्शन भी बनता है। हालांकि आर्मी के लोग इंडिया से ही इनके वाबस्ता होते हैं कि इंडिया भी हमला करना है, इंडिया के खिलाफ कसम खानी है, और इंडिया की, हालांकि कई बार तो जब बीमार पड़ जाते हैं तो वैक्सीन भी इंडिया की लेते हैं ना, लेकिन ये आर्मी के ऑफिसर जो है, शर्म है तो कहां से आई। अब आगे, उससे पहले ये पंजाब के इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू के डायरेक्टर जनरल थे, डीजी। ये इस पोस्टिंग पर ये 2016 से 2017 तक रहे थे, मतलब बेरोजगारी कभी नहीं गए, रिटायरमेंट के बाद भी इनको मिलती रही। तो खास लोग होंगे ना ये, गेट नंबर 4 के खास होंगे तभी इनको मिले होंगे। ऑफ कोर्स आर्मी में रहा है, ब्रिगेडियर आर्मी रिटायर हुआ है, लेकिन इतने सारे ब्रिगेडियर बेरोजगार भी तो बैठे हैं, वो खाली बैठे हैं, पेंशन खा रहे हैं। इनके पास ऐसी मलाईदार पोस्टिंग है सारी डायरेक्टर जनरल इमरजेंसी से, तो ये इसलिए। अच्छा, ये 1984 से 2015 तक ये आर्मी में रहे, ब्रिगेडियर रैंक से रिटायर हुए, 31 साल का इनका आर्मी का एक्सपीरियंस था। मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूं, इस बीच में एक चीज और आती है इनकी। ये 2003 से 2005 तक यूनाइटेड नेशंस में रहे, यूएन में इन्होंने काम किया, ईस्ट ट्यूमर में काम किया इन्होंने, और ईस्ट ट्यूमर में काम करके ये उस समय चीफ इंटेलिजेंस ऑफिसर एंड डिप्यूटी चीफ मिलिट्री ऑब्जर्वर थे। चीफ इंटेलिजेंस ऑफिसर, डिप्यूटी चीफ मिलिट्री ऑब्जर्वर, अच्छा रैंक बड़ी थी, नो डाउट अबाउट इट। इंटेलिजेंस का काम भी इन्होंने किया था, इनका इंटेलिजेंस से नाता पुराना था। ये यहां पर थे जब पाकिस्तान में, तब भी इन्होंने इंटेलिजेंस के साथ रहकर भारत के खिलाफ बड़ी साजिशें की, हमले करवाना ये वो। अब मैं वापस आऊंगा डीएचए वाले टेन्योर पे। ये डीएचए के टेन्योर पे जहां पर डिफेंस हाउसिंग बनाता है, घर बनाया, लाखों करोड़ों की कमाई आ रही है, उसमें से आईएसए के साथ मिलकर के जो हमले प्लान करते थे उसी के लिए इनको वहां पे डीएचए में लगाया गया। ये लाखों करोड़ों की कमाई आती है तो कुछ आर्मी को जाएगी, कुछ पॉलिटिशियंस को जाएगी, कुछ कहीं जाएगी, कुछ कहीं जाएगी, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। लाहौर में क्यों दिया गया डीएचए, तो कराची में भी है डीएचए, इस्लामाबाद में भी है, क्योंकि लाहौर लश्कर का हेडक्वार्टर है, उस लश्कर के हेडक्वार्टर से बैठ करके पैसा कमाते थे और कमा करके वहां भेजते थे, और लश्कर से भी पैसा की उगाही होती थी, वहां चंदा आता है, कुछ पैसा लश्कर को दे दिया जब जरूरत पड़ी। तो मनी कंट्रोलिंग या मनी लॉन्ड्रिंग जिसे बोलते हैं, वो काम इनके पास बहुत अच्छा होता था, और ये उसके किंग पिन थे, ऐसा मोटा कमाया था इन्होंने। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहां तक देखने के लिए। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। फिलहाल आपसे विदा ले रहे, मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।